डुमरी विधानसभा के लार्गो गांव में हम जगन्नाथ महतो के साथ सुबह से घूम रहे हैं और बता रहे हैं आपको कि इस इलाके में एक विधायक ने कितना काम किया, क्या काम हुआ, क्या काम नहीं हुआ। हैरत करने वाली बात है, इस छोटे से गांव में और नक्सल प्रभावित इलाके के गांव में ये प्ले स्कूल चल रहा है। बड़े शहरों में आप प्ले स्कूल फ्लैट्स में चलते हुए देख सकते हैं, जानते होंगे कि वहाँ किस तरह से एक बड़ा धंधा चलता है, लेकिन इस गांव में प्ले स्कूल है और ये कुछ बच्चे नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे हैं, जाहिर सी बात है कि अभी 3 साल 2-4 साल के बच्चे होंगे, और इन बच्चों के हाथ में देखिए कलम है। कैसे ये मुमकिन हुआ कि इतने छोटे छोटे बच्चे को स्कूल लेके आ गया? छोटे बच्चों को शुरू से हम लोग पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, को आगे जाके होनहार होगा, इसलिए हम प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन इतने छोटे बच्चे तो आजकल सरकार के स्कूल में, बड़े बड़े स्कूलों में दाखिल होते हैं, रांची जैसे बड़े शहर। हम गांव का शहर बनाना चाहते हैं, तो इसलिए काम कर रहे हैं। हम क्लास टीचर से भी बात करेंगे। कितने बच्चे आपके साथ यहाँ पे हैं? 60 है अभी, नहीं है मतलब टोटल है। तो ये स्कूल कैसे खुला, किसने खोला? ये अंकिता पांडे, उन्होंने खोला है। और तो ये स्कूल देखे, तो स्कूल में ये तस्वीरें देखे, लंबा चौड़ा कई क्लास है, दर्जनों क्लासरूम इसमें नजर आ रहे हैं और हर क्लासरूम में बच्चे हैं। विधायक जो है जगन्नाथ महतो गौरव से दिखला रहे अपने इस स्कूल को। स्कूल में डेस्क है, क्लासरूम कलरफुल क्लासरूम है, स्कूल की टीचर्स में। आप बताए, क्या नाम है आपका? अर्पिता पंडा। तो ये स्कूल कैसे शुरू हुआ? स्कूल विधायक जी ने ही स्टार्ट किया था पहले इसको, जब बीएड के पर्पज से बनाया था, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स इशू के लिए स्टार्ट नहीं हो पाई, लेकिन शिक्षा के उद्देश्य से बना था, शिक्षा का उन्नति हो, बच्चे पढ़े। लेकिन अभी भी इरादा है कि यहाँ पे टीचर्स का भी ट्रेनिंग हो, बट बीएड के लिए भी आपको ट्रेनिंग के लिए स्कूल की ज़रूरत है। मैक्सिमम जगह पे आप देख रहे होंगे कि बीएड कॉलेज स्कूल के साथ ही अटैच रहता है, कि टीचर्स का ट्रेनिंग भी वहाँ पे हो पाए। तो ये पहले दौर पे हम लोगों ने यहाँ पे कितनी सुविधाएं यहाँ पर मिल रही है? यहाँ पे हम लोगों का प्ले से लेके, प्ले ग्रुप से लेके स्टैंडर्ड 5 तक की अभी स्टार्ट किया है हम लोगों ने। रूरल एरिया का सारे बच्चे यहाँ पे आते हैं कि वो पढ़ पाए। कितनी फीस लेते हैं आप? बहुत कम, फिर भी 500-600, मैक्स टू मैक्स 700 हायर क्लासेस में। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम से पढ़ाएंगे? हिंदी जो लैंग्वेज है, लिटरेचर है, हिंदी में होती है, बाकी अदर सब्जेक्ट सारे इन इंग्लिश। तो यहाँ पे स्कूल में ज़्यादातर जो सब्जेक्ट्स है वो अंग्रेजी में पढ़ाई जाती है, साथ ही साथ बच्चों के लिए जो डिसिप्लिन है, क्लासरूम्स में साफ सफाई और जो माहौल होना चाहिए, जो दिल्ली रांची जैसे बड़े शहरों में जिस तरह के स्टैंडर्ड या जो मानक है उसी हिसाब से यहाँ पर भी रखने की कोशिश की गई है। डुमरी का प्राइमरी स्कूल हमने आपको दिखलाया और अब आपको दिखला रहे हैं महाविद्यालय, कॉलेज है ये, इंटर महाविद्यालय नावाडी का है ये, डुमरी विधानसभा क्षेत्र में आता है। विधायक जगन्नाथ महतो है यहाँ, उन्होंने अपनी मेहनत से इसे तैयार किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि प्राथमिक शिक्षा से लेकर हायर एजुकेशन तक की व्यवस्था इस छोटे से विधानसभा क्षेत्र में है, जो कि झारखंड का सबसे अधिक अति नक्सल प्रभावित विधानसभा क्षेत्र है।
यहाँ ये स्टूडेंट्स है, लड़के लड़कियाँ सब लोग पढ़ते हैं, ये को मतलब लड़के और लड़के दोनों दोनों को दोनों। तो ये कब तैयार किया? ये 2005 में, चलिए 2005 में हम MLA बने और 6 में शुरू किए, 7 में तैयार कर दिए। 2 साल में तैयार हो गया है, एक साल में। तो ये जो है इस यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं, सब आते इलाके के लोगों के? बहुत पूरे अच्छे। तो देखिए ये लिखा हुआ शिव सोरेन जी ने इनका उद्घाटन किया जब ये यहाँ पर विधायक पहली बार बने, और उसके एक साल के अंदर कॉलेज तैयार कर दिया। इलाके में सरकार ने भले काम काज नहीं किया हो, लेकिन एक विधायक इच्छा शक्ति यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये देखिए स्टूडेंट्स है, लड़के और लड़कियाँ दोनों यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आ रही है, और चुनावी मौसम में भी यहाँ पर क्लासेस में जो स्टूडेंट्स है वो भरी हुई है। कौन सा क्लास है ये? सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर। तो क्या पढ़ाई करती है आप? आर्ट्स का पढ़ाई, सेकेंड ईयर। हाँ। तो ये कॉलेज कब खुला मालूम है? 2006 में। हाँ। तो पढ़ाई अच्छी होती है यहाँ पर? जी। क्या क्या पढ़ती है आप बताइए? टीचर्स है? हाँ। आप कहाँ के रहने वाले? तराटन। तो यहाँ पे पढ़ाई से आप खुश है कि यहाँ कमी है कुछ? नहीं, कुछ कमी नहीं। कुछ कमी नहीं, विधायक जी सामने इसलिए सब हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो सरकारी व्यवस्था है या फिर यहाँ पर प्राइवेट में जो सुविधा मिलती है वो सब है? है। क्या क्या सुविधा है? टीचर है, लाइब्रेरी, ये सब है। हाँ। और किताबें मिलती है? किताब नहीं। किताब अपने चलते। तो यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं आप लोग? 106। ये तस्वीर देखिए क्लासरूम का है, ये प्राइमरी स्कूल हमने आपको दिखलाया, अब ये कॉलेज है, BA पार्ट टू का ये क्लास है। तो जाहिर से बात है कि इलाके में, नवाडी में, डुमरी इलाके में इस तरह जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल के लिए, स्कूलिंग के लिए, कॉलेज पढ़ाई के लिए पलायन कम से कम नहीं करना पड़ता, ये बहुत बड़ी राहत की बात है। ये लड़के और लड़कियाँ दोनों इस स्कूल इस कॉलेज में हैं। आप किस क्लास में हैं? 11 क्लास। इन पढ़ाई अच्छी होती है? यस सर। क्या पढ़ते हैं आप? आर्ट्स। टीचर्स अच्छे हैं यहाँ पे पढ़ाते हैं? यस सर। तो यहाँ पे टीचर्स भी मौजूद है, क्या क्या सुविधा यहाँ पर? ठीक ठाक है सब कुछ यहाँ पर? सारी सुविधाएं ठीक है सर। कुछ कमी नहीं? कुछ कमी नहीं, विधायक जी, विधायक जी से डरने की जरूरत नहीं, विधायक जी के सहयोग से सारी सुख सुविधाएं यहाँ पर है। कुछ कमी भी है? नहीं, कुछ भी कमी नहीं है सर। बिजली ये सब है? ठीक है, बिजली की व्यवस्था ठीक है? जी, बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से है सर। पानी का भी है, 3-4 पंप है यहाँ पर, जेट पंप है, चापाकल है। कुछ युवा भी है यहाँ पर, आप लोग वोट देते हैं? कोई वोट देने वाला भी है कोई? अच्छा, आप वोट देते हैं? जी सर। तो यहाँ पर जो काम काज हुआ है उसको देख कर खुश है इलाके में? जी सर, ठीक है सर। 5 साल में रघुवर दास ने कुछ काम किया है? हमको तो नहीं मालूम, पहला बार है। पहली बार? जी सर। तो गांव छोड़ के स्कूल, स्कूल कहाँ से पढ़ाई की? बिरनी। तो सब कुछ यहीं हो जा रहा है आपका, पढ़ाई लिखाई, बाहर नहीं जाना पड़ रहा? नहीं, बाहर नहीं जाना। आगे क्या करेंगे? आगे आर्मी में। नहीं, आर्मी में जाएंगे। देश के लिए कह सकते हैं कि मर मिटने की चाहत है, और गांव में आजकल कह सकते हैं कि लोग अगर आर्मी में जाने के लिए इतने उत्सुक है तो देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ी राहत की बात है ये कि इस तरह के कॉलेजेस तैयार हो रहे हैं, स्टूडेंट्स तैयार हो रहे हैं जो कि आने वाले दिनों में देश की रक्षा भी करेंगे। तो ये कार्यालय है यहाँ पर, कॉलेज के अंदर तमाम जो सुविधाएँ होती है वो स्टाफ के लिए, जो फैकल्टी है उनके लिए सुविधाएं यहाँ पर मुहैया है। तो जाहिर से बात है कि इस इंटर कॉलेज में, नवाडी के इस इंटर कॉलेज में कह सकते हैं कि विधायक के फंड से इतनी कामकाज, इतना कामकाज हुआ है जिससे कि कम से कम लोगों को पलायन नहीं करना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में उम्मीद ये है कि दूसरे भी जो विधायक है या दूसरे जो नेता है वो भी इस तरह के प्रयासों से
कुछ सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ चुनाव जीतना ही मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि मकसद होना चाहिए इलाके की तरक्की। अपने सहयोगी श्रीकांत के साथ विवेक सिन्हा, कशिश न्यूज़, डुमरी।